हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है, इसमें वो कहता है जी आपने तजी के ज़रिए से आद अज़म मालूम करना है। आद अज़म को इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इंग्लिश भी सीखा करें थोड़ी बहुत, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं HCF, क्या कहते हैं HCF। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है इसमें कहते हैं ए बी एक्स वाई और कॉमा आपके पास ए स्क्वायर बी सी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास पहला फैक्टर है ना, आपने इसको लिख लेना है जी, जितनी बार ये लिखा हुआ है ना ए बी एक्स वाई, आपने एक दफा ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो यही बनेगा। दूसरा है जी हमारे पास ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जी ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब इनमें जो चीज़ कॉमन होती है ना उसको हमने इस तरह से सर्कल कर दिया करना, ठीक है। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है जी सर। अब एक ए यहाँ पर, दूसरा ए नहीं है, जो था वो तो हमने सिलेक्ट कर लिया। बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है जी। लो जी इस पर भी हम क्या करते हैं, ये सर्कल कर देते हैं जी, ठीक है। लो जी यहाँ से अगर देखा जाए हमारे पास ये दो दो ही वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पर आधे से, और कोई भी वैल्यू नहीं हमारे पास आ रही थी, लिखेंगे यहाँ पर आधे से हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि एच सी एफ हमारे पास आ जाएगा ए, एक दफ़ा लिखना है ठीक है, दूसरी दफ़ा क्या आ गया बी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि एच सी एफ होगा, सही है। यस सर। नंबर टू, नंबर टू में वो कहते हैं जी 6PQR 15QRS, ठीक है। तवज्जो से समझना जी, तवज्जो जितनी तवज्जो दे सकते हैं उतनी तवज्जो आपने देनी है जी, ठीक है। पहले जी 6PQR, अब देखो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये आ जाएगा पी मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर आ जाएगा जी सर, 15 यानी कि 15QRS, इसको लिख सकते हैं हम 3 × 5 जी सर, और मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एस है ना जी सर। इनमें जो कॉमन फैक्टर यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सही है जी। और कोई फैक्टर हमारे पास कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है, तो हम लिख लेंगे 3 × q × r, इनको मल्टीप्लाई कर दो 3QR, ये जो आपके पास आपका आंसर है ये आपका आदि आज़म आ गया है, या फिर आपका क्या आ गया जी HCF आ गया, सही है, समझ आ गई है। अच्छा जी तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ आएगी जी, जैसा कि 8x² z³ 12x² y² z² आ गया। चलो जी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जी, पहले लिखते हैं जी 8x² z³ को, 8 को लिख सकते हैं जी 2 × 2 × 2 दो दो बार 4, 4 × 2 = 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं जी वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, और जी क्यूब को लिख सकते हैं जी जी मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय जी, सही है। ये आ जाएगा हमारे पास 12x² y² z², ठीक है। अच्छा 12 तजदीद करनी है, हम 12 को लिख सकते हैं ना, 12 को फैक्टर बनाते हैं इस तरह से, 6 आ जाएगा, ये 2 3 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया जी 1 आ गया, सही है। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 2 × 2 = 4, 3 × 12 = 12 एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, वाई स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं जी वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, और जी स्क्वायर है जी जी मल्टीप्लाई बाय जी, नहीं आ जाएगा। अब हमने निकालने इनमें से जो कॉमन होते हैं जी, ये देखें ये 2 आ गया हमारे पास, एक और 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 2 है ये 3 है, ये तो मुश्किल कॉमन नहीं है, ये एक्स है ये भी एक्स है, सही है, ये वाई है ये भी वाई है, ये भी वाई है और ये भी वाई है, ये जी है ये हमारे पास क्या जाएगा जी आ जाएगा, और कोई कॉमन नहीं है, एक है ये वाला, ठीक है। अच्छा जो आगे वो लिख लेते हैं जी, इस तरह से लिख लिया करो 2 × 2 लिखना एक बार है, ये एक बार आ गया, ये भी फिर एक बार आ गया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से एक्स आ गया वाई आ गया फिर मल्टीप्लाई बाय वाई आ गया फिर मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय जी आ गया, सही है। दो दो बार 4 एक्स आ गया, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर आ गया। जब बेस सेम हो ना मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, इसी तरह से
वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू नहीं हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया जी, आध्यात्म आ गया। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें जरा जी, नेक्स्ट नंबर आ गया जी फोर, फोर्टीन ए स्केयर बी सी, 21 ए बी स्केयर आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन आ गया जी, सॉल्यूशन लिखते हैं जी 14 ए स्केयर बी सी, इस 14 को लिख सकते हैं ना हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 जी सर। ए स्केयर को लिख सकते हैं जी ए मल्टीप्लाई बाय ए, बी को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय सी, सही है। 21 आ गया जी ए बी स्केयर, सही है। अच्छा, इसको फिर लिख सकते हैं जी 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 बार 21 होता है, मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, सही है जी सर। अब जो कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, सही है, एक ये कॉमन है। 7 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, 7 ए बी नहीं आ गया जी सर, ये हमारा क्या आ गया, आध्यात्म। यहाँ फिर हम इसको क्या कहते हैं, एच सी एफ कहते हैं जी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं एक ब्रेक बाद, ये ब्रेक है 24 घंटे के लिए।